हेलो। चलिए, हमारा जो इस बात की खोज से जो अध्याय नंबर दो तलाश, और तलाश से जो इसका एक अंश है भारत के अतीत की झांकी। भारत भारत हेलो हेलो सर, कुछ बोलो तो, एक बार कुछ बोलिए आप, आवाज ही नहीं आ रही आपकी। जो हमारा उपविषय रहेगा भारत की खोज से अध्याय नंबर दो तलाश, और तलाश से जो एक इसका अंश है भारत के अतीत की झांकी। आज हम भारत के अतीत की झांकी, ये जो अंश है तलाश नामक जो अध्याय है, इस अंश का अध्ययन करेंगे, भारत के अतीत की झांकी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम आप भारत के अतीत की झांकी इसका सारांश जान लीजिएगा। इसका सारांश पंडित नेहरू जी ने क्या बताया है, ठीक है, तो ये जान लीजिएगा। इसके उपरांत इस अध्याय की शुरुआत करेंगे। तो पेन पेंसिल साथ में रखना आप लोग। इसमें नेहरू जी ने कई सालों के जो लेख, नेहरू जी के मन में कई सालों से भारत को जानने और समझने और उसके प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट करने का एक कोशिश चल रही थी नेहरू जी के मन में। और नेहरू जी बचपन से लेकर अब तक यही सोच रहे थे कि भारत देश है क्या, उसकी विशेषताएं क्या है, इसका अतीत क्या है, कैसा था। ठीक है, इन सभी विषयों पर उसने नेहरू जी ने किसने नेहरू जी ने विचार किए हैं। और इस तरह से नेहरू जी सोच रहे हैं कि प्राचीन शक्तिशाली भारत का आधुनिक विश्व से तालमेल कैसे बैठ सकता है, और नेहरू जी सोच रहे हैं कि क्या भारत ने अपनी प्राचीन शक्ति को पूरी तरह से खो दिया है, अगर खो दिया है तो कैसे खो दिया है, अगर नहीं खोया है तो अब भी उसकी जो ताकत है, उसके पास जो पूरी की पूरी शक्ति है वो कैसे है। इस तरह से नेहरू जी ये मानते हैं कि भारत भारत देश उसके खून में रचा बसा हुआ है, और उसने भारत को एक ऐसे आलोचक के रूप में देखा है। किसने देखा है भारत को एक ऐसे आलोचक के रूप में? नेहरू जी ने, ठीक है, नेहरू जी ने भारत को एक ऐसे आलोचक के रूप में देखा जो उसके वर्तमान स्वरूप के साथ ही उसके अतीत को भी, पाश्चात्य जो पाश्चात्य विचारक है, जो पाश्चात्य देशों के जो थिंकर है, उनकी दृष्टि से देखते आए हैं, और इससे उसके मन में भारत के प्रति अनेक संदेह उत्पन्न हुए। बेटे, आप अपने आप को म्यूट कीजिए, ये आवाज नहीं आ। हेलो, जो कोई भी विद्यार्थी अपने आप को म्यूट करे। और इस तरह से उसके मन में अनेक संदेह उत्पन्न हुए, लेखक के मन में अनेक तक संदेह उत्पन्न हुए हैं, और क्या वास्तव में उसने भारत को जान लिया है, ये संदेह भी लेखक के मन में उत्पन्न हुआ। और उस फिर लेखक के मन में ये संदेह उत्पन्न होता है कि भारत के गौरवशाली अतीत को अगर बनाए रखा जा सकता है तो कैसे रखा जा सकता है। यदि भारत का अतीत गौरवपूर्ण नहीं होता तो हजारों वर्षों तक स्वयं को वो सभ्य देश कैसे बनाए रख सकता था। ये सभी बातें लेखक के मन में उजागर होती हैं, और लेखक इन सभी के विषय में सोच विचार कर रहे हैं। अब लेखक क्या करते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में जो मोहनजोदड़ो के पर एक टीला है, उस टीले पर खड़े होकर लेखक चारों तरफ देखते हैं, और चारों तरफ देखकर उसमें क्या करते हैं, वहां की उस नगर के घरों को, वहां की गलियों को देखकर लेखक हैरान हो जाते हैं, और लेखक सोचते हैं कि ये जो संस्कृति है, अथवा अर्थात ये जो जो ये संस्कृति और सभ्यता है, ये संस्कृति और सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्षों तक भी ऐसे लगातार निरंतर बनी कैसे रह सकती है। इस प्रकार भारत के मजबूत सांस्कृतिक आधार को, आधार के रहस्य को लेखक
क्या करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और इस तरह से लेखक ने क्या किया है, इस अतीत की झांकी में लेखक ने बताया कि हिमालय पर भी वो घूमे हैं, हिमालय पर भी उस अच्छी तरह से उन्होंने भ्रमण किया है, और कश्मीर के साथ भी उनका खून का रिश्ता रहा है, और हिमालय से निकलकर बहने वाली जो सिंधु या ब्रह्मपुत्र या यमुना या गंगा आदि नदियों ने सदा ही लेखक को अपनी ओर आकर्षित किया है, ठीक है। और सिंधु अथवा इंडस नदी के नाम से ही इस देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा है, ये लेखक बताते हैं इस अध्याय में, इसमें अतीत की झांकी में, ठीक है। और यमुना के साथ तो अनेक पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं, लेखक बताते हैं कि यमुना नदी के साथ अनेक। हेलो बड़े, आप अपने आप को म्यूट रखे। और लेखक बताते हैं कि यमुना नदी के साथ तो अनेक पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई है, और ब्रह्मपुत्र तो उत्तर पूर्वी पहाड़ियों की दरारों से बहकर नीचे की ओर आती है, और गंगा की जो गाथा है, गंगा की गाथा तो भारत की सभ्यता और संस्कृति की एक कहानी है। फिर आगे लेखक ने इस अतीत की झांकी में बताया कि अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं तथा अन्य पुरानी जो स्मारक है उन्हें भी लेखक ने अच्छे से देखा है। उसने आगरा और दिल्ली की प्राचीन सुंदर इमारतों को भी अच्छे से देखा है, और जिनके पत्थरों पर भारत के गौरवपूर्ण अतीत की कहानी छिपी हुई है। और उसने इलाहाबाद और हरिद्वार के कुंभ स्नान के मेलों में जाकर हजारों की संख्या में आने वाले गंगा स्नान करने वाले जो श्रद्धालु हैं, उन श्रद्धालुओं को भी लेखक ने अच्छी तरह से देखा है, और किस तरह से ये भारत देश का जो गौरवपूर्ण है, ये भारत देश की जो सभ्यता और जो संस्कृति है वो आज भी कैसे निरंतर बरकरार है, ये सभी बातें लेखक ने इस अतीत की झांकी में बताई है। इस अतीत की झांकी में जो ये तलाश नामक अध्याय है, इस तलाश नामक अध्याय का एक जो अंश है भारत के अतीत की झांकी, इसमें ये सभी बातें लेखक ने बताई है। इसमें भारत देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा, ठीक है, यहाँ की नदियों के संदर्भ में बताया है, यहाँ की जो नगर सभ्यता है उसके संदर्भ में बताया है। यहाँ पर लेखक ने बताया कि किस तरह से जो सम्राट अकबर है, सम्राट अकबर से संबंधित जो गाथाएं हैं, या यहाँ के अशोक के जो शिलालेख है, उस अशोक के शिलालेखों को मानता कैसे प्राप्त हुई है, ये सभी बातें इस अध्याय में लेखक इस अध्याय के अंश में यानी कि अतीत की झांकी में लेखक ने बताई है, ठीक है। ये इसका सारांश है, और अब आप भारत के अतीत की झांकी नामक जो अंश है इसकी हम शुरुआत करते हैं, इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो पेन पेंसिल साथ में रखना। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। कौन कहता है ये बातें? पंडित नेहरू जी ये बातें कहते हैं, ठीक है, ये बात कह रहे हैं। इस बीच में बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूं। प्रतिक्रियाओं का मतलब होता है प्रतिकार या बदला, और विश्लेषण अंग्रेजी में एनालाइज बोलते हैं। विश्लेषण का मतलब होता है किसी तथ्य के सभी पक्षों का अच्छी तरह से विवेचन करना, किसी भी तथ्य के सभी पक्षों का अच्छी तरह से विवेचन करना। जैसे आप उसमें क्या नाम है, सुधीर चौधरी जी के साथ डीएनए टेस्ट देखते हो, एबीपी न्यूज पे एनालाइज करते हो डीएनए टेस्ट, ठीक है, उसमें वो कोई भी पक्ष है, कोई भी घटना उठाते हैं और उस घटना को क्या करते हैं, बारीकी से अच्छी प्रकार से उसका एनालाइज किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। तो विश्लेषण का मतलब हुआ किसी तथ्य के सभी पक्षों को अच्छी तरह से विवेचन करने की कोशिश करता रहा हूं। मैंने बचपन की ओर लौट कर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था, मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था, और मेरे ताजा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। अवधारणा क्या होती है? अवधारणा होती है विचारधारा। अवधारणा क्या होती है? विचारधारा, विचार।
विचार भी लिख सकते हो आप, ठीक है। आखिर यह भारत है क्या? अतीत में प्रश्नशैली है, प्रश्नशैली है। अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरे तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? भारत मेरे खून में रचा बसा था, कौन कहता ये बातें? ये लेखक कह रहे हैं, पंडित नेहरू जी बता रहे हैं। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नजर से देखना शुरू किया। किसको लेखक ने बाहरी आलोचक की नजर से देखना शुरू किया था? भारत देश को, भारत देश को। देखो आलोचक क्या होता है, आलोचक का काम क्या होता है? आलोचक का काम होता है एक जो अच्छा आलोचक होता है ना, वो तभी आलोचना करता है, वो किसी भी वस्तु के, किसी भी पदार्थ के, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी स्थान के, किसी भी घटना के आलोचना तभी कर सकता है जब वो उसके गुण और दोष दोनों को समान आधार मानकर, दोनों का इक्वल लेकर, साथ में लेकर, समान लेकर, उसके गुणों को भी, कोई भी घटना है, कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है जिसकी आलोचना की जा रही है या आलोचना होगी, उसके गुण और दोष दोनों को समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए। एक अच्छे आलोचक का यही काम होता है, ठीक है। तो इसमें, इस अतीत की झांकी में लेखक ने एक अच्छे आलोचक का भूमिका निभाई है, क्योंकि लेखक ने भारत देश की कमियों को भी इसमें उजागर किया है और भारत देश की जो विशेषताएं हैं, खासियत है, जो इसके गुण है, गुण और अवगुण, मेरिट और डीमेरिट दोनों को लेखक ने उजागर किया है, दोनों को। तो लेखक नेहरू जी एक अच्छे आलोचक के रूप में यहाँ पर जाने जाते हैं, ठीक है। तो आगे चलिए। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, ना पसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी, मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। शंकाएं क्या होती है? संशय, संदेह, तरह तरह के जो डाउट्स होते हैं, ठीक है। क्या मैंने भारत को जान लिया था? प्रश्न शैली है, नहीं, क्योंकि अभी तक लेखक ने तो क्या करना शुरू की थी, लेखक ने तो अभी तक पता ही नहीं था। लेखक अच्छी तरह से भारत देश के बारे में जानना चाहता था, भारत देश की खासियत क्या रही है, उसकी विशेषता क्या रही है, उसके गुण क्या रहे हैं, उसके अवगुण क्या रहे हैं, ठीक है। मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था, खारिज करना, खारिज करने का मतलब होता है उसे नकार देना, अलग कर देना, समाप्त कर देना, खत्म कर देना, ठीक है। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, आप देखिए, जो जीवंत, जीवंत का मतलब क्या होता है? जो हमेशा रहने वाला होता है, सदा रहने वाला, उसे बोलते हैं जीवंत। और टिकाऊ का मतलब क्या होता है? टिकाऊ का मतलब होता है पक्का या मजबूत, पक्का या मजबूत, ठीक है। और सार्थक का मतलब होता है लाभदायक, बेनिफिशियल बोलते हैं अंग्रेजी में इसे, बेनिफिशियल, जिसका कोई ना कोई फायदेमंद, कोई ना कोई फायदा हो। सार्थक, जिसका कोई ना कोई उचित फायदा हो, ठीक है। तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है। वजूद, वजूद का मतलब क्या होता है? आधार, बेस, ठीक है। आगे चलिए।
जैसा आज है और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? अब उस विशेष तत्व के बारे में नेहरू जी जानना चाहते हैं, भारत देश के उस विशेष तत्व के बारे में जानना चाहते हैं जिससे कि पूरे देश में भारत देश की वाह पूरे देश में पूरे विश्व में भारत देश की प्रशंसा हुई है। पूरे विश्व में भारत देश जाना माना जाता अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से, अपनी पराक्रमता से, अपनी तेजस्वीता से, सभी इन चीजों से, अपनी खासियत जो भारत देश की विशेषताएं रही हैं, जो इसकी खासियत रही है, इसके जो इस देश को गौरवशाली बनाने में जिनकी अहम भूमिका रही है, चाहे वो नदी हो, चाहे फिर यहाँ के राजा महाराजा हो, चाहे यहाँ की जनता हो, चाहे यहाँ की संस्कृति हो, यहाँ की सभ्यता हो, कैसे भी हो, उस चीज के बारे में वो विशेष उस विशेष तत्व के बारे में लेखक अब इसमें चर्चा करेंगे इस अध्याय में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। कौन खड़े थे उत्तर पश्चिम के स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक ऊंचे टीले पर? लेखक। ठीक है, मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी, यानी कि जिधर लेखक खड़े थे, जिस टीले पर लेखक खड़े थे ना, और उस टीले पर खड़े होकर जब भी लेखक जिधर भी अपनी नजर घुमाते वहीं पर लेखक को क्या नजर आते थे, वहां पर मकान नजर आते थे, घर बने हुए नजर आते थे, और अलग अलग छोटी छोटी या सुंदर सुंदर या और विस्तार पूर्वक जो गलियां हैं वो लेखक को नजर आते थे। ठीक है, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा ये बात, इस पंक्ति को अंडरलाइन कर लीजिएगा आप। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहां एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। ठेठ क्या होता है? पूरी तरह से। ठेठ का मतलब क्या होता है? ठेठ भारतीयपन, पूरी तरह से, टोटल भारतीय, टोटल इंडियन। ठीक है, यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है। आश्चर्यचकित करना, हैरान कर देना, आश्चर्यचकित करना, हैरान कर देना। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता, कौन सा विचार आश्चर्यचकित कर देता लेखक को, ये अभी जो बातें आएंगे। ठीक है, कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे। ये जो विचार है कि कोई भी संस्कृति या सभ्यता 5-6 हजार सालों तक कैसे बरकरार रह सकती है, ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो विचार है, ये विचार लेखक को आश्चर्यचकित कर देता है। ये विचार लेखक को क्या कर देता है? आश्चर्यचकित कर देता है। ठीक है भाई, तो आगे है। वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर फारस, मेस, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा है। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ। ये जितने देश है ये भारत देश से प्रभावित भी हुए, और भारत देश की संस्कृति और सभ्यता से ये देश प्रभावित भी हुए, और साथ के साथ में भारत देश भी इनकी संस्कृति और सभ्यता से भी प्रभावित रहा। ठीक है, ये जितने भी नाम आए हैं। तो आगे है, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? इसी मजबूती के रहस्य को लेखक इस अध्याय में उजागर करना चाहते हैं। ठीक है भाई, मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। तेजस्विता क्या होती है?
तेज से पूर्ण, तेज से पूर्ण। तेजस्विता क्या होती है? प्रकाश में या तेज से पूर्ण, सक्रिय। सक्रिय का मतलब होता है सक्रिय मस्तिष्क, सक्रिय का मतलब होता है क्रियाशील होना, एक्टिविटी करते रहना, सक्रिय क्रियाशील होना, ठीक है। और समृद्धि, समृद्धि का मतलब क्या होता है? संपन्नता, संपन्न होना, ठीक है। मैंने उन पराक्रमी, पराक्रमी क्या होते हैं? जो वीर होते हैं। पराक्रमी क्या होते हैं? जो वीर होते हैं। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। सुदूर क्या होता है? सुदूर, सुदूर का मतलब होता है बहुत दूर, बहुत दूर से, बहुत दूर से आना। अतीत, अतीत यानी कि भूतकाल, ठीक है। यहाँ चीन पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। दास्तान, दास्तान का मतलब क्या होता है? दास्तान का मतलब होता है आप बीती, तो स्वयं से संबंधित जो कहानी होती है, स्टोरी होती है, उसको दास्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? दास्तान, ठीक है भाई। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। कौन सोच रहे हैं ऐसी बातें? कौन कर रहे हैं ये? लेखक कर रहे हैं। किस समय? किस समय? जब लेखक भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में जो मोहनजोदड़ो पर एक टीला था उस पर खड़े होकर ये सभी कुछ बातें पंडित नेहरू जी सोच रहे हैं, ठीक है, कि भारत देश को मजबूती कैसे प्राप्त हुई, भारत देश की जो संस्कृति है, भारत देश की जो सभ्यता है, ये निरंतर पिछले 5 या 6 हजार वर्षों से ये बरकरार कैसे रही है, ठीक है। ऐसी कौन सी विशेषता रही है, ऐसी कौन सी खासियत रही है जिससे कि इसकी संस्कृति और सभ्यता को आंच नहीं आई है, ठीक है। ये सभी बातें लेखक उस टीले पर खड़े होकर सोच रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसके पुराने मिथकों का मतलब क्या होता है? जो अविश्वसनीय जो घटनाएं हैं, अविश्वसनीय जो घटनाएं हैं, अविश्वसनीय का मतलब हो गया मिथक का मतलब, अविश्वसनीय या मिथक का जो मतलब हो गया वो क्या हो गया? ऐसी घटनाएं जिन पर विश्वास न किया जाए, जिन पर विश्वास न किया जा सके, उनको मिथक बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? मिथक, यानी कि अविश्वसनीय घटनाएं, ठीक है, जिसका पुराने मिथ को, अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा, पुराने मिथ को और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध रहा है। दंत कथाएं क्या होती है? दंत कथाएं का मतलब होता है कि जो लोग होते हैं, लोगों के द्वारा कही जाने वाली जो कहानियां होती है, जो बातें होती है, उनको हम दंत कथाएं बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? दंत कथाएं, ठीक है। आगे चलिए। और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है, पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। अब ये बात शुरू हो जाती है, इस देश को मजबूती कैसे प्राप्त हुई है, अब लेखक ने बताना शुरू कर दिया है। कश्मीर के संदर्भ में, यहाँ के पहाड़ों के संदर्भ में, यहाँ की नदियों के संदर्भ में, यहाँ की संस्कृति और सभ्यता के संदर्भ में लेखक ने अब बताना शुरू कर दिया है। इसी वजह से ये जो भारत देश की जो नदियां रही हैं, चाहे ब्रह्मपुत्र है, चाहे गंगा नदी है, चाहे फिर कोई अन्य नदी है, यहाँ के जो पहाड़ है, यहाँ का जो ये प्राकृतिक सौंदर्य है, इसी की वजह से भारत देश की जो ये संस्कृति है, भारत देश की ये जो सभ्यता है, ये पिछले 5-6 हजार वर्षों से निरंतर बरकरार है। इसी वजह से भारत देश पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में अपनी संस्कृति और सभ्यता की वजह से पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त किए हुए है, ठीक है। तो अब लेखक ने ये बातें बतानी शुरू कर दी है, ठीक है भाई। अभी तक तो हमें कुछ इतना अच्छे से समझ नहीं आया था कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे आपको ये सभी कुछ बातें समझ आती जाएंगे, ठीक है भाई।
आगे चलिए। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। किसने को आकर्षित किया? लेखक को। लेखक कौन? पंडित नेहरू जी को। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया। ये सभी बातें अंडरलाइन करते जाना आप, ठीक है। और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताजा की। इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम पड़ा, इंडिया और हिंदुस्तान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये एसएस में भी काम आएगा। ये जो भारत की खोज है ना, हम हिंदी में पढ़ेंगे इसको, लेकिन ये साथ के साथ में एसएस में भी आपको काम आएगी। बहुत बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जो एसएस में ज्यों के त्यों है, और जो एसएस के क्वेश्चन है वो ज्यों के त्यों हिंदी में ऐसे कैसे प्रयोग हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरी की पूरी वही हिस्ट्री बताई गई, पूरे का पूरा इतिहास बताया गया इसमें, ठीक है। और ये जो पंक्ति है, इंडस या सिंधु, सिंधु सिंधु से सिंधुआ, सिंध से फिर हिंदुआ, हिंद से फिर हिंदी, इस प्रकार से फिर हिंदुस्तान हुआ। ये हिंदुस्तान का नाम आया था, हिंदुस्तान की या इंडिया की जो स्थापना हुई, इन शब्दों से होती है, ठीक है। आगे चलिए। और जिसे पार करके हजार वर्षों से यहाँ जातियां और कबीले, काफिले और फौजें आती रही हैं। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई, पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है, और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। रमणीय का मतलब क्या होता है? रमणीय का मतलब होता है मनोरम, मनोरम या सुंदर, जो मन को खुश कर देने वाली होती है, उसको रमणीय बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रमणीय, ठीक है भाई। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं। ये अंडरलाइन कर लेना ये बातें, अगर यमुना नदी से संबंधित बातें हो, आज भी आप देखते हो हमारे यहाँ पर जो ये क्या नाम है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जो सीमा आपस में लगती है, तो वहां पर जो यमुना नदी है, वहां पर हम महीने में, दो महीने में, जैसे हर अमावस को स्नान इत्यादि करने के लिए जाते हैं, देश के या राज्य के अलग अलग कोनों से इस नदी में, इस नदी को पवित्र नदी माना जाता है। पवित्र नदी माना, पवित्र नदियां तो सभी हैं, लेकिन जिस प्रकार से गंगा के बाद अगर स्थान प्राप्त है पवित्रता में, तो किसे प्राप्त है? गंगा के बाद यमुना नदी को, क्योंकि यमुना को उसकी बहन माना गया है। किसको? गंगा की बहन माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के जो छोटे बच्चे को स्नान इत्यादि कराना होता है, या फिर कई बार शरीर पर अगर कोई दाग इत्यादि लग जाते हैं, दाग इत्यादि आ जाते हैं, यानी कि धब्बे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे ये फुंसियां हो जाती है, तो ऐसा माना जाता है हमारे देश में कि अगर यमुना में स्नान किया जाएगा, यानी कि यमुना नदी में स्नान कर ले, तो यमुना नदी में स्नान करने के बाद ये शरीर के जितने भी दाग धब्बे हैं, ये शरीर पे जो जितनी भी छोटी मोटी फुंसियां, ये लगभग क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ऐसा भारत देश में ऐसी ये जो सोच है लोगों की, ये ऐसी जो मान्यता है इस नदी को प्राप्त है, ठीक है। आगे चलिए। इन सब से बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। तादाद क्या होता है? जनसंख्या में, बड़ी संख्या में, ठीक है। तो प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। भग्नावशेष क्या होते हैं?
भग्नावशेष शेष होते हैं, जो पुरानी चीजें होती है ना, पुरानी चीजें जो टूटी फूटी जो टूटी फूटी चीजें होती है उन्हें हम भग्नावशेष बोलते हैं, यानी कि पुरानी चीजें चीजों टूटे फूटे बचे हुए जो टुकड़े होते हैं, पुरानी चीजों के जो टूटे फूटे जो टुकड़े हुए हैं ना, टुकड़े हैं और वो जो बचे हुए टुकड़े हैं पुरानी चीजों से जो टुकड़े बचे हुए हैं, उन बचे हुए टुकड़ों को क्या बोलते हैं, भग्नावशेष बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, भग्नावशेष। और बीती चित्र, बीती बीती का मतलब होता है दीवारों पर जो चित्र होते हैं उन्हें बीती चित्र बोलते हैं। ठीक है भाई, आगे चलिए। बीती चित्रों को देखा, अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहां का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर कुंभ के मेले में जाता हूँ। कौन कहता है ये बातें, पंडित नेहरू जी बता रहे हैं, क्योंकि नेहरू जी का जन्म स्थान कौन सा था, इलाहाबाद। ठीक है, और देखता हूँ कि वहां अब भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं, वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए, पुरखे क्या होते हैं, जो उनके बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, पूर्वज जो हैं, ठीक है, पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं। अब देखिए अभी हाल ही में क्या चल रहा है, हाल ही में हरिद्वार में कुंभ का स्नान चल रहा है, कुंभ मेला चल रहा है, और आज 27 अप्रैल है, और आज हरिद्वार में अंतिम शाही स्नान है, कुंभ का अंतिम शाही स्नान है आज हरिद्वार में। और ये तो थोड़ी सी ये बीमारी की वजह से वहां पर जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धालु एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, वरना जैसे पिछले क्या नाम है फरवरी की 27 फरवरी से ये कुंभ का शाही स्नान शुरू हुआ था 27 फरवरी से, और वहां पर जो साधु संत है देश विदेशों देश से के प्रत्येक कोने से विदेशों से भी साधु संत वहां पर पहले से ही विराजमान हो गए थे, वहां पर उपस्थित हो गए थे, और जब तक ये करीबन एक महीना, तो इस शाही स्नान पर क्या होता है, इस शाही स्नान पर देश विदेश से साधु संत और जो अन्य श्रद्धालु जन है वो वहां पर जाकर अपने उस गंगा स्नान करते हैं, और हरि की पौड़ी पर, हरि के पौड़ी पर जाकर वो अपने शरीर को, अपनी आत्मा को शांत करने के लिए वहां पर स्नान करते हैं, और वहां पर क्या करते हैं, तरह तरह की कर्म करते हैं। ठीक है, तो ये जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी को गंगा स्नान के लिए जाना जाता है, और ये बहुत ही पवित्र नदी है पूरे विश्व में। ठीक है, तो मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्री और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णों की याद आ जाती है। गोकी, गोकी का मतलब है जो कि, उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत होती थी, हैरत यानी कि हैरान कर देना, कि आश्चर्यचकित कर देना, हैरत होती थी कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी, वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। अब यहाँ तक निशान लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है, तो इसमें अभी तक हम जो जान चुके हैं, लेखक के मस्तिष्क में यही सवाल उजागर होते हैं कि भारत देश है क्या, उसकी सभ्यता क्या, उसकी संस्कृति क्या, पूरे देश में ये इतना गौरवशाली क्यों बना हुआ है, और पिछले 5-6 हजार सालों से इसकी संस्कृति और सभ्यता निरंतर बरकरार कैसे है, तो ये सभी बातें अभी तक हम अतीत की झांकी में जान चुके हैं। ठीक है, आगे भी जानेंगे, बाकी करेंगे कल। अब आप में से किसी को कोई सवाल जवाब करना है, अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, आपका भव्य स्वागत है। किसी भी विद्यार्थी को अगर कुछ पूछना है अतीत की झांकी नामक अंश से, तो आप पूछ सकते हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा।
सर, जो आप ये हमें चैप्टर्स पढ़ाते हो, इनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमें बुक में मार्क करने हैं या उन्हें फिर नोटबुक में भी लिखना है? देखो और संची आपको है ना, इसमें एक्स्ट्रा आपको फाइंड आउट तो करोगे ही, फाइंड आउट तो करोगे ही, वो आप अपनी नोटबुक में निकाल कर रखोगे, ठीक है? उन पर चर्चा परिचर्चा करेंगे जो आप लोग फाइंड आउट करोगे क्वेश्चन, और साथ के साथ में मेरी तरफ से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, वो आपकी जो पक्की नोटबुक है, फेयर नोटबुक है, उसमें आप उन्हें अच्छे से सुंदर राइटिंग में लिखोगे, सुंदर लेख में लिखोगे, ठीक है?